दो सवाल हवा में हैं, तैर रहे हैं कि 47 दिन में परिपक्वता का कोर्स कहां होता है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, क्या उनका कोर्स है जो 47 दिन में व्यक्ति को परिपक्व बना दे, मैच्योर बना दे। अभी तक तो दुनिया भर में लोग यही सुनते हैं भैया मैच्योर बन परिपक्व होने में बाल सफेद हो जाते हैं टाइप का एक रहता है, यहां तो 47 दिन में ही मामला हो गया एक। और दूसरा लोग पूछ रहे भाई हटाया क्यों था और हटाया तो वापस क्यों लाए, दोनों चीजों की वजहों पर अटकलें लग रही हैं। सतीश जी सतीश जी भाई सतीश प्रकाश तक आवाज जा रही है क्या? नहीं देखिए, निश्चित रूप से मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं जी। सर मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही बोलिए जी। मेरी आवाज आप तक आ रही है सर? आ रही है सतीश जी बोलिए। नहीं नहीं देखिए मैं निश्चित रूप जी देखिए 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 सर निश्चित रूप से एक सवाल रहेगा। देखिए आज बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से अपने जन्म के बाद में एक संक्रमण काल के दौर से गुजर रही है। बहुजन समाज पार्टी 1984 के बाद में 5 साल बाद जो उसका वोट शेयर है वो लगभग लगभग 4 बार की सरकारें चलाने के बावजूद भी अगर आज वो इस वोट शेयर के ऊपर है तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी को अपनी रणनीति में आमूलचूल परिवर्तन करना ही पड़ेगा। ये बात मैं पहले ही कहा है कि देखिए कहीं ना कहीं दलित समाज में आज भी बहुजन समाज पार्टी के नियत को लेकर के कोई सवाल नहीं है। हाँ नीतियों में परिवर्तन हो ये तमाम लोग ये मानते हैं, और नीतियों में क्या परिवर्तन, आज आकाश आनंद जी है या तमाम कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति आकर के अगर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बना सकता है या उसको उसके पुराने काल के दौर में उसको पहुंचा सकता है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत होना चाहिए। रही बात आकाश आनंद जी को हटाया क्यों और लगाया क्यों, देखिए इसको एक भूल सुधार के रूप में भी आप ले सकते हैं। हो सकता है कि उनको लगा हो कि जो डिसीजन तब हुआ था चुनाव के दौरान में वो शायद डिसीजन बेहतर नहीं रहा हो, इसको यही मान के चलेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा कि निश्चित रूप से बड़ा टारगेट बहुजन समाज पार्टी के ऊपर है। उपचुनाव में निश्चित रूप से आकाश आनंद जी किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ते हैं या किस रणनीति के तहत बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है। देखिए एक बात आपको मानना पड़ेगा कि जब बहुजन समाज पार्टी की पहली सरकार बनी तो जो वोटर जब पैदा हुआ आज वो वोटर भी लगभग लगभग 30 साल का हो चुका है, तो 30 साल के वोटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कुछ अलग होगी। भारत की नहीं पूरी की पूरी दुनिया की आप देखेंगे। सतीश भाई दोबारा में आते हैं, दोबारा में आते हैं, दोबारा में अलग अलग रिक्वायरमेंट है, दोबारा में आते हैं। सतीश बाबू अभी रुकिए, दोबारा में आते हैं, मैं विजय जी के पास चलूं। उससे पहले एक बात और याद दिला दूं जो मेरी समझ कहती है, बाकी तो मुंडे मुंडे मत भिन्ना जितने लोग उतनी मत। 2001 में कांशीराम ने 15 दिसंबर को, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, ठीक। लेकिन उसके बाद 5 साल कांशीराम जिए, तो 2007 में बसपा अपने जीवन के सबसे चमत्कारिक प्रयोग को कर पाई और पहली बार अपने दम पर बहुमत की सरकार बना ली। लेकिन उसके बाद जो मायावती जी के हाथ जब कमान आई, सर्वाधिकार सुरक्षित इनके पास हुए, और मायावती जी की राजनीतिक शैली यह रही कि भाई केवल 5 साल में 3.5 महीना निकलना है, बाकी 4.5 साल घर से बाहर नहीं हो, घर में भी एंट्री लिमिटेड, जिसको बुलाएंगे वही आएगा, जितनी देर बात होगी उतनी बाकी बाहर करो। तो उससे बसपा डिटोरिएट होती रही, लेकिन कांशीराम इतना बड़ा कर गए थे बसपा को बामसेप और DS4 के जरिए कि वो घटते 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 उसको 33-30 साल लग गए, और आज वो स्थिति आ गई, इकाई दहाई से इकाई में आ गया जनाधार। मायावती जी यात्रा नहीं करती, मायावती जी कैंप नहीं करती, मायावती जी किस दुख सुख में जाके किसी जिले में कोई आगजनी हो जाए, कोई समस्या हो जाए, आपदा आ जाए, वहां जाए, दुखी लोगों का आंख से आंसू पहुंचे, ऐसा किसी कार्यक्रम में व्यस्त नहीं होती वो, नहीं ना? तो शायद उसका भी असर होगा। खैर विजय कुमार जी, एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि नगीना जैसी सीट जिस पे चंद्रशेखर ना जीते इसके लिए आकाश वहां गए और बड़ा तीखा भाषण दिया था आकाश ने, बहुत तीखा, कई खरी खोटी सुनाई थी चंद्रशेखर को,
कि ये आदमी ऐसा है, ये आदमी वैसा है। फिर बहन जी भी नगीना गई, बोली भाई चंद्रशेखर को वोट ना देना, फिर चंद्रशेखर गए जीत। क्या ये नगीना का जो परिणाम है उसके चलते बहन जी को लगा ना अब ढाई घर पीछे चलना होगा, मोहरा उठा के अब ऐसे नहीं चले, आकाश को आगे कर दो। विजय जी देखिए अमिताभ जी जी, पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले जो आकाश आनंद चंद्रशेखर जी को पहचान भी नहीं रहे थे, वो ये कह रहे थे मेरे में आकर के कौन चंद्रशेखर कौन चंद्रशेखर, उनको इतना तो मालूम हो गया कि उन्होंने चंद्रशेखर जी को बधाई दी कि आप जीते, बड़ी अच्छी बात है, कम से कम जानने तो लगे हैं। दूसरी बात क्या है, अब जब पूरा जो दलित समाज और पिछड़ा समाज और मुस्लिम समाज ने मन बना लिया है कि भाई अब जो है जो हमारा नेता है वो चंद्रशेखर आजाद है, उसको ही हम वोट दे के जिताएंगे। जैसे आप बता रहे हैं कि मायावती जी और आकाश आनंद जी और अखिलेश यादव जी तमाम जो बड़े पार्टी के नेता वहां गए रोकने के लिए और वो रोक नहीं पाए, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है, नगेना की नहीं पूरे देश की जनता ने मन बनाया है कि आजाद समाज पार्टी ही दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की और मुसलमानों की, हर वंचित समाज की लड़ाई लड़ सकता है, तो कोई भी समाज से हो हम उसके साथ हैं। और ये पैराशूट की राजनीति, या आप अभी अभी जैसे आप देख रहे हैं जैसे आकाश जी ने, क्योंकि कहीं ना कहीं डर है, ये बसपा का या बहन जी का डर ही मानता हूं कि जैसे ही आकाश आनंद जी बीजेपी के खिलाफ उग्र हुए, उन्होंने बीजेपी की जो है पोल खोलनी चालू करी, वैसे ही उनके सारे पद छीन ली, तो ये कहीं ना कहीं डर है और ये उनका भय है, और डरा हुआ नेता और वो कभी समाज उसको जो है हाथो हाथ नहीं ले सकता, ना वो समाज किसी काम का है। तो समाज ने मन बना लिया, जो जो डरेगा वो जाएगा और जो लड़ाई लड़ेगा वो आएगा। ठीक, भुवन भास्कर जोशी जी, मुझे याद है अखिलेश जी ने भी बड़ी तारीफ की थी और बड़ी सिंपैथी जताई थी जब आकाश आनंद को बहन जी ने विड्रॉ कर लिया था, सारे पद छीन लिए थे और कहा था तुम घर में रहो, अंदर कमरे में, कुंडी बाहर से बंद करो, कहा बोलो खिड़की से भी मत झांको, ट्विटर पे भी नहीं मिलना, चुनाव निकलने दो शांति से। तो अखिलेश जी ने भी काफ़ी संवेदना जताई थी और उन्होंने बड़ा इससे दुख व्यक्त किया था कि आकाश आनंद जैसे असीम संभावनाओं वाले नौजवान को क्यों रोक दिया गया, और उन्होंने ये कहा था कि भाजपा के चलते आकाश को रोक दिया गया, क्योंकि आकाश वो बातें कर रहे थे जो भाजपा को सूट नहीं करती। अब तो आकाश फिर आ गए जोशी जी, तब क्या मायावती जी ने ये तय कर लिया कि भाजपा से दो दो हाथ करना है, एक या मायावती ने आकाश को समझा दिया कि ना अब बेटा अब भाजपा के खिलाफ मत बोलना, क्या लगता है आपको? दो में से एक चीज तो हुई होगी, या तो मन बना लिया कि भाजपा से दो दो हाथ करेंगे जाओ, या मन बना लिया कि नहीं भाजपा के खिलाफ नहीं बाकी के खिलाफ बोलेंगे। जोशी जी देखिए, अमिताभ जी, आदरणीय बहन जी ने एक कैप्सूल कोर्स कहते हैं, क्योंकि हम लोग तो शिक्षा जगत के लोग थे, कैप्सूल कोर्स कहते हैं, एक 47 दिन का एक नया कैप्सूल कोर्स उन्होंने लॉन्च कर दिया भारतीय राजनीति में कि कैसे 47 दिन में एक अपरिपक्व राजनेता को एक परिपक्व राजनेता बनाया जा सकता है। और मुझे लगता है इस लॉन्च से अन्य राजनीतिक दलों को भी, अन्य जो प्रतिष्ठान होते हैं उनको भी उससे उनसे टिप्स लेनी पड़ेगी कि कैसे 47 दिन पहले एक व्यक्ति अपरिपक्व होता है और कैसे 47 दिन में उसको परिपक्व बना के तैयार कर दिया जाता है। तो ये नया उनका आदरणीय बहन जी को इसका श्रेय जाएगा कि उन्होंने नया कैप्सूल कोर्स लॉन्च कर दिया राजनीतिक क्षेत्र के अपरिपक्व लोगों के लिए, उनको परिपक्व बनाने का एक 47 दिन का कोर्स करा। और दूसरा विषय मैं आना चाहता हूँ, जो आज आपका मेन चर्चा का विषय है, उस विषय में कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी केवल पीडीए से अपने आप को संबंध रखती है, हमारी लड़ाई पीडीए की थी, पीडीए की है, पीडीए की रहेगी। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में क्या परिणाम देख दिया देश को पता है, हमारे विपक्षियों को पता है, हमारे सहयोगी को पता है कि आज पीडीए का आंदोलन पूरे देश का आंदोलन उन्होंने बना दिया। ठीक है जोशी जी, अब दलित भी आप ले जाओगे तो फिर बहन जी की पार्टी क्या करेगी?
अब वो क्या करेगी, हमारा चिंता का विषय ठीक है नहीं है, जोशी जी, हम रुकना लोग होगा। करेंगे। मैं ऋचा राजपूत के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूं। जोशी जी कह रहे थे कि एक कैप्सूल कोर्स उन्होंने बहन जी ने लॉन्च किया, 47 दिन में जो जो अपरिपक्व हैं सब परिपक्व हो जाएं। ऋचा भी अभी नौजवान है सब लोग, तो मैं कहूंगा कि भाई तुम भी और अपनी पार्टी भाजपा में ऐसे और जो नौजवान हो साथी, उन सबको ऐसा कोर्स कराओ ताकि ये क्लेम कर सको कि हम भी वरिष्ठ हो गए। फिर लिखना शुरू करो वरिष्ठ भाजपा नेता। खैर ऋचा राजपूत, इस बदलाव में भाजपा से इसलिए प्रश्न बनता है क्योंकि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने आकाश को जब हटाया था बहन जी ने 7 मई को, तो ये कहा था भाजपा के दबाव में हटाया क्योंकि आकाश भाजपा को टारगेट पे ले रहे थे। अब आकाश फिर आ गए, तो अब सवाल उठ रहा भाई भाजपा से बात हो गई या भाजपा से दो दो हाथ करने आए हैं। ऋचा राजपूत जी, पहले तो मैं अपने सपा प्रवक्ता भाई से एक चीज कहना चाहती हूँ कि ये कह रहे थे कि कैप्सूल कोर्स कराया है शायद मायावती जी ने, तो मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि वो कौन सा वैक्सीन कोर्स था जिसको करके आधी डिग्री लेके ऑस्ट्रेलिया से आके किसी को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया। मुझे लगता है उन्होंने तो 4 दिन का भी क्रैश कोर्स नहीं किया था माननीय अखिलेश यादव जी ने, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो थोड़ा सा अपना भी इतिहास सोच के बोलना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि मुझे मायावती जी का जो ये फैसला लिया उन्होंने अपने आकाश आनंद जी के लिए, ये बहुत सराहनीय लगा। और थोड़ा सा हमें मायावती जी की राजनीतिक परिपक्वता पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आज भले जो 2024 का जो चुनाव हुआ है ना, ये बड़ा तिकड़म वाला चुनाव है। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी, मतलब मैं आपकी डिबेट सारी देखती हूँ, मुझे नहीं लगता हम लोग कोई भी एक पक्ष रख पा रहे हैं कायदे से कि पीडीए के नाम पे वोट किधर बटा, या हम सपा और कांग्रेस सोच के वोट को जोड़ के सोचे, या बसपा का वोट कहा गया। अगर हम 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तभी भी सपा और बसपा साथ में लड़ी थी, लेकिन सपा को केवल 5 सीटें मिली थी और माया बहन जी को तभी भी 10 सीटें मिली थी। तो अगर हम पिछले लोकसभा से भी कंपेयर करें तो मायावती जी जब घर से नहीं निकली, रैली नहीं करी, एक जगह बैठी रही, तब भी 10% वोट लेके वो बैठी है। दूसरी बात, दूसरी तरफ विपक्ष ने कितने नैरेटिव सेट करे, संविधान आरक्षण, ये दो बड़े मुद्दे जो जाटव और गैर जाटव समाज को प्रभावित करते थे, दम से झूठ बोलने के बाद भी देखिए मायावती जी की रिलेवेंसी बनी रहनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मायावती जी ने कोई भी राजनीति करी हो कभी भी किसी जाति और धर्म विशेष की राजनीति नहीं करी, और उसके इतर विपक्ष ने हमेशा पारिवारिक राजनीति करी है। तो मुझे लगता है कि जो ये आपकी आज की डिबेट का लाइन है ना कि जमीन से आकाश तक, तो मायावती जी जो 1984 का सूरज थी जब काशीराम जी ने उनको राजनीतिक रूप से अपना उत्तराधिकारी बनाया, तो मुझे लगता है उस समय मायावती जी ने जिस तरीके से, जब एक बसपा से पहले हम लोग बामसेठ के बारे में पढ़ते थे, जब वो दलितों के बीच में जाके उनका संगठन बना के चौराहे चौराहे में इकट्ठा करके जागरूक करके दलितों को इकट्ठा करी थी, तब वो नारा देती थी कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ो, दूसरा चुनाव पहचान बनाने के लिए लड़ो, और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ो। तो अगर मायावती जी भले ही 30 दिन 40 दिन हम कह रहे हैं 10 दिन, अगर वो किसी भी चीज को सिखा कर अपनी पारिवारिक या मानिए कि राजनीतिक समझ को आगे लाना चाहती है, तो आकाश आनंद जी से बेहतर कोई चेहरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो यूथ है, पढ़े लिखे हैं, अच्छा बोलते हैं, कल को वो लोगों के बीच में जाएंगे, तो मुझे लगता है कम से कम जो भी इनकी राजनीतिक समझ का समय रहेगा वो बहुत शानदार रहेंगे। दूसरी बात, जो ये चुनाव है, ये चुनाव में कहीं ना कहीं जाटव समाज की एक उदासीनता भी हमें देखने को मिली, जो गैर जाटव समाज था उसमें बिखरा हुआ, निसंदेह जिस तरीके से विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट किया, लेकिन अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी मायावती जी की रिलेवेंसी बनी हुई है। मायावती जी वो महिला है जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की मुख्यमंत्री का कमान संभाला है, तो ऐसा नहीं है कि वो केवल एक दलित समाज की नेता रही है, वो सर्वधर्म और सर्व समाज की नेता रही है। जी